हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल वीवी फाणी ड्राइंग ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो जो नए आए हैं वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम ड्राइंग बनाएंगे डोंट कट ट्रीज। तो आज अर्थ सभी दुनिया वालों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि पेड़ को मत काटो इस कोरोना के दौरान। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सर्किल बनाया, बाद में हमने उसके मुंह में एक मास्क बनाया। देखिए मैंने किस प्रकार से मास्क बनाया है, उसे आप ध्यान से देखिए। बाद में हमने दो आंखें बनाई हैं। अर्थ को थोड़ा रोता हुआ हमें दिखाना है। देखिए मैंने किस प्रकार से आंखों से आईड्रॉप्स निकाले हैं, आंसू निकाले हैं। बाद में हम वर्ल्ड का जो मैप होता है वो अर्थ के ऊपर में हम बना देंगे जैसे हमें दिखाई देता है। तो देखिए बाद में हम उसके एक हाथ बनाएंगे, फिर उसी के हाथ में एक फ्रेम को भी हम पकड़ाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इसको पंजा बनाया है। बाद में हम भी दूसरे तरफ भी हम उसका एक हाथ बनाएंगे, फिर हम उसके दोनों पैर बनाएंगे। देखिए मैं किस प्रकार से उसका पैर का पोजीशन दिया है, ठीक उसी प्रकार दोनों समान आकार में हमें बनाना है। बनाने के बाद उसका मोजा बनाकर, सॉक्स बनाकर हमें उसके जूते भी बनाने हैं। जूते को देखिए दोस्तों मैंने किस प्रकार से बनाया है। फिर हम एक कटा हुआ पेड़ बनाएंगे गाय फ्रेंड्स। देखिए मैंने किस प्रकार से उस कटे पेड़ का ऊपर का हिस्सा बनाया है। बाद में हम दोनों तरफ को राउंड शेप में जोड़ दिया। देखिए उसी प्रकार आपको ही बनाना है, ठीक उसी प्रकार उसे पीछे तरफ भी हम दूसरा पैर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उसके हाथ में एक बोर्ड बनाएंगे। देखिए वो बोर्ड जहाँ पे हम लिखेंगे सेव मी प्लीज, क्योंकि अर्थ सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है बचाने के लिए इस कोरोना के दौरान। तो देखिए मैंने यहाँ दूसरा कटा हुआ पेड़ भी बनाना चालू कर दिया है। उसी प्रकार दूसरे तरफ भी हम उसका दूसरा पेड़ कटा हुआ हम बनाएंगे। अगर हम पेड़ को काटते रहेंगे तो दोस्तों एयर पोल्यूशन होगा, जिससे हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे और हमारी धरती ऐसे ही भस्म हो जाएगी। तो फ्रेम के अंदर में हम और एक बॉर्डर दे देंगे। आप चाहेंगे तो बॉर्डर के अंदर आप ब्लैक भी भर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में हमें टॉप लिखना है सेव मी प्लीज, वो हम बाद में लिखेंगे। फिर हम कोरोना का जो वायरस होता है हम पहले सर्किल बनाएंगे। देखिए दोस्तों मैंने किस प्रकार से छोटे छोटे गोल बड़े गोल कहीं बोर्ड के ऊपर बैठा है। देखिए वो बोर्ड के ऊपर बैठा है, कभी कहीं अर्थ के ऊपर बैठा दिया है कोरोना को। हम कोरोना को ब्लैक कलर डालेंगे, क्योंकि इस बार सेकंड फेज है कोरोना का, इसीलिए हमें थोड़ा डार्क और डेंजर दिखाना है। तो अभी दोस्तों हम कुल्हाड़ी बनाएंगे। देखिए मैं किस प्रकार से कुल्हाड़ी बनाऊंगा, एक्स देखिए किस प्रकार से पतला से मोटा बनाऊंगा, देख रहे हैं ठीक उसी प्रकार आपको दो लकीरें खींचनी है, ऊपर पतला और नीचे मोटा हमें दिखाना है। बाद में हम उसका कुल्हाड़ी का जो लोहे का हिस्सा होता है उसे हम पूरा बनाना है। तो देखिए हमने अपना ड्राइंग तो बना लिया है। अभी ब्लास्ट स्केच पेन पकड़ कर सुंदर से हम चारों तरफ बिना उठाए बॉर्डर देंगे। ध्यान दीजिए बॉर्डर देते समय हमें ओवर राइटिंग नहीं करना है, बस पेंसिल के ऊपर में हमें ड्राइंग बनाते बनाते जाना है और ज़्यादा स्केच पेन को दबाना नहीं है। तो देखिए मैं किस प्रकार से बॉर्डर दे रहा हूँ आपको उसी प्रकार। तो देखिए मैंने सब में बॉर्डर दे दिया है। जैसे ही हम बॉर्डर देंगे बाद में हम इरेजर से पूरा मिटा देंगे जहाँ जहाँ हमने पेंसिल से ड्राइंग किया था। तो देखिए सबसे पहले हम ब्रश स्केच पेन पकड़कर वो छोटे से गोल में हम पूरी अच्छी तरह से घार देंगे। देखिए मैं किस प्रकार से घार रहा हूँ, उसी प्रकार आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, रेड भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं ब्लैक की जगह, क्योंकि थोड़ा डेंजर दिखाने के लिए मैंने ब्लैक का सपोर्ट लिया है। तो देखिए मैंने कोरोना किस प्रकार से बनाया है, आमने सामने लकीरें खींचकर उसी प्रकार चारों तरफ जहाँ बने हुए हैं सभी में हम उसी प्रकार बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ सब तरफ बना दिया है। बाद में हम जहाँ पे कटा हुआ है वहाँ पे हम ब्लैक कलर सबसे पहले लेंगे और उसके अंदर हम ब्लैक कलर भर देंगे। देखिए मैं किस प्रकार से ब्लैक कलर भर रहा हूँ, आप उसी प्रकार ब्लैक कलर भरेंगे। फिर हम पेड़ के जो छिलके होते हैं सबको हम अलग अलग दिखाएंगे। ब्लैक कलर क्या होता है दोस्तों, सभी चीज़ों को अलग अलग करने में हमें हमारी सहायता करता है। तो देखिए मैं किस प्रकार से ब्लैक मार रहा हूँ और किस तरह से अलग अलग शेप दिखा रहा हूँ, उसी प्रकार हम दूसरे पेड़ पर भी ब्लैक कलर से ऐसे ही
अलग करेंगे। देखिए मैंने किस प्रकार से पेड़ को अलग किया है, उसी प्रकार आपको भी अलग करना है। कलर को भरते समय उल्टा पुल्टा शिफ्ट में नहीं मारना चाहिए। जहां जहां में तो ज्यादा गैप मिलेगा हमें छोटे छोटे लकीरें भी खींच लेंगी। देखिए मैं किस प्रकार से लकीरें खींच रहा हूँ, मैं पर जोड़ नहीं रहा हूँ, बस आधी आधी लकीरें ही खींच रहा हूँ। आपको उसी प्रकार लकीरें खींचनी है। तो दोस्तों हमने लगभग ब्लैक का काम कर लिया है। अभी हम डार्क निकाल कर जो अर्थ के ऊपर में हमने बनाया है मैप का शेप, वहाँ पर देखिए मैं किस प्रकार से राउंड शेप में भरते भरते आऊँगा और ऊपर ऊपर में लाइट ले आऊँगा, फिर थोड़ा थोड़ा वाइट छोड़ूंगा। देखिए मैंने किस प्रकार से थोड़ा वाइट भी छोड़ा है लाइट मारते मारते, और जहाँ जहाँ हमारा ग्रीन का शेप गया है मैप का, हम वहाँ पर ग्रीन मारेंगे, और जहाँ पानी का शेप गया है वहाँ पर हम ब्लू मारेंगे। तो इस तरफ मैप में तो हमारा ग्रीन गया है, उसी प्रकार में हाथ में और बाकी जगह में ग्रीन भर रहा हूँ। और देखिए इस तरफ भी ग्रीन का शेप मैप में ग्रीन आया है, तो मैं वहाँ पर ग्रीन कलर से भर दूंगा। फिर हम डीप ब्लू पकड़ कर मैप के नीचे नीचे मोटा मोटे शेड देंगे। देखिए वो देने से आपके मैप बहुत ही उभार आएंगे और सुंदर दिखाई देगा। अर्थ देखिए किस प्रकार से उभार दिख रहा है आपका मैप। उसी प्रकार मैप में हर जगह हमें बॉर्डर देना है और उसके अंदर में स्काई ब्लू से भर्ती करना है। तो देखिए दोस्तों मैं लगभग डिब्लू का काम कहाँ कहाँ भरा है वहाँ पे आप अच्छे से भरिएगा। बाद में हम स्काई ब्लू से उसके अंदर में हल्के हल्के आकार में भरेंगे। देखिए मैं किस प्रकार से स्काई ब्लू को हल्के हल्के शेप में भर रहा हूँ। एक ही शेप में मारेंगे दोस्तों, अलग अलग शेप में मत मारिएगा, इससे आपका ड्राइंग गंदा दिखाई देगा। तो देखिए जहाँ जहाँ ब्लू का शेप जो मारना है वहाँ पर मैं ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैंने स्काई ब्लू भर लिया है और ऑरेंज कलर लेकर उसके मास्क में हम बॉर्डर देंगे। देखिए मैं किस प्रकार से बॉर्डर दे रहा हूँ, उसी प्रकार आपको भी बॉर्डर देना है। आप चाहेंगे तो अंदर में येलो भी भर सकते हैं। फिर हम ऑरेंज कलर से मैप में कहाँ कहाँ मिक्सिंग करेंगे। देखिए जहाँ कहाँ कहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें पूरे वाइट में हमें मिक्सिंग नहीं करना है, वाइट हमें छोड़ना है क्योंकि वहाँ पे हम येलो कलर भरेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने येलो कलर भर दिया है, तो कितना अच्छा शाइनिंग दिखाई दे रहा है हमारा अर्थ, कितना गुस्सेला है, कितना दुखी दिखाई दे रहा है। देखिए मतलब वार्म कलर हमने थोड़ा डाल दिया है तो अब हमारा अर्थ थोड़ा दुखी दिखाई दे रहा है, हमें उसी प्रकार से बनाना है। बाद में हम जो ग्लोव्स हैं उसके ऊपर में हम ऑरेंज कलर से बॉर्डर देंगे। देखिए हम दोनों को ग्लोव्स में भी ऑरेंज कलर से ही बॉर्डर देंगे। मैं जो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ दोस्तों उसे आप ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ, उसे आप अच्छा से बना पाएंगे। बाद में जूते में भी हम ऑरेंज से रेड से बॉर्डर दे देंगे। आप कोई हल्का कलर भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। बाद में हम ऑरेंज कलर से लकीर खींचेंगे, उसी प्रकार दूसरे पेड़ में भी लकीर खींचेंगे। बाद में हम ब्राउन कलर से ब्लैक में अच्छे से मिक्सिंग करते करते उसके अंदर हम ब्राउन कलर को थोड़ा भरेंगे। देखिए मैं किस प्रकार से ब्राउन कलर भर रहा हूँ, आपको उसी प्रकार ब्राउन को भरना है। ध्यान दीजिएगा वाइट का लाइटिंग हमें छोड़ना है, अगर वाइट का लाइटिंग नहीं छोड़ेंगे तो ड्राइंग अच्छा दिखाई नहीं देगा। तो बाद में हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर निकाल कर भावर कलर से डंडी में भर देंगे और ब्लैक से थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देंगे। फिर हम ऑरेंज कलर से ब्राउन के ऊपर में अच्छे से मिक्स कर देंगे, पूरे दोनों पेड़ों में अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। देखिए दोस्तों अभी इस तरफ पेड़ में भी हम ऑरेंज से अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। ध्यान देना है हमें व्हाइट छोड़ना है क्योंकि इसके अंदर हमें येलो कलर भी मिक्सिंग करना है। तो देखिए हमारा पेड़ कितना कटा हुआ है और कितना ग्लेज आ रहा है, तो हमें येलो कलर को उसके अंदर हम भर्ती करेंगे। फिर हम येलो कलर से जहां पर कटा हुआ है वहां पर भी हम थोड़ा थोड़ा येलो भर लेंगे। ब्लैक कलर से फिर कटे हुए पेड़ के नीचे नीचे हम थोड़ा उसको डिवाइड करेंगे। दोस्तों मारते समय हमें शेप को चेंज नहीं करना है, एक अच्छे शेप में ही भर्ती करना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से मैंने कलर भरा है, आपको भी उसी प्रकार कलर को अच्छी तरह से भरना है। इस कोरोना के टाइम में जानते हैं
पेड़ को हमें नहीं काटना चाहिए, ऐसे सभी दुखी हैं, हम पेड़ को काटेंगे तो कैसे होगा बताइए, इसलिए हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पर्यावरण को हमें बचाकर रखना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।